Okay, so basically I was talking about YouTube versus TikTok, cringe topic versus good topic and these kind of things. तो आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे यूट्यूबर्स के जिन लोगों को मैं फॉलो करता हूँ एंड आई टेक इंस्पिरेशंस फ्रॉम देम एंड दे आर मेकिंग ऑसम कॉन्टेंट इन द यूट्यूब एंड ऑल्सो दे डोंट हैव मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, उतना ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है एंड दे डोंट ऑल्सो हैव दैट मच पॉपुलैरिटी इन द यूट्यूब. सो बहुत पॉपुलर यूट्यूबर्स के बारे में बात नहीं होने वाला है. तो एनीवे शुरू करते हैं. तो जी द फर्स्ट यूट्यूबर इज रॉनी एंड भारती. ओके सो द नेम ऑफ दैट गाय द नेम ऑफ दिस गाय एक्चुअल नेम ऑफ दिस गाय इज रोहन ठाकुर. ही इज़ अ फिल्म मेकर, ही इज़ अ सिनेमाटोग्राफर, ही इज़ अ म्यूजिशियन, ही इज़ अ सिंगर एंड यू नो बहुत सारे टैलेंट उनके अंदर कूट कूट के भरा है एंड ही इज़ एन ऑसम गाय यू नो सीरियसली. मुझे मैं उसका वीडियोज देखता हूँ पिछले एक साल से एंड उनका जो कंटेंट्स है वो भैया बहुत ही मज़ेदार है एंड आई रियली लव हिज वॉक एंड ऑल्सो ये रोहन ठाकुर एक्चुअली बहुत सारे फिल्मों में भी काम कर चुका है एंड उसके बाद ये यूट्यूब में आया है एंड ही इज़ लिविंग इन मनाली एंड वहाँ पे वो ब्लॉग्स बनाते हैं एंड वो कुछ ट्रैवल ब्लॉग्स भी बनाए हैं एंड उसके साथ साथ कुछ यू नो रेगुलर ब्लॉग्स भी उन्होंने बनाए हैं एंड दे ऑल आर रियली अमेजिंग. तो अगर रोहन ठाकुर जी अगर आप देख रहे हो तो मुझे नहीं पता कि आप कब जाके ये वीडियो देखोगे क्योंकि आई डोंट हैव दैट मच सब्सक्राइबर्स एंड ऑल. सो एनीवे अगर आप देखते हो तो आई मीन एक विश है मेरा एंड दैट विश इज़ कि मैं आपके साथ मनाली में जाऊँ, आई मीन आपके वहाँ पे जाऊँ एंड वहाँ पे जाके मैं थोड़ा सा स्नो बोर्डिंग वगैरह सीख लूँ एंड आफ्टर दैट मैं गुलमार्ग जाना चाहता हूँ आपके साथ एंड वहाँ पे जाके वो स्नो बोर्डिंग करना चाहता हूँ. यू नो दैट वीडियो गुलमार्ग आई मीन स्नो बोर्डिंग इन गुलमार्ग वॉज अमेजिंग. आई रियली लव दैट वीडियो. सो अभी आते हैं नेक्स्ट यूट्यूबर के बारे में, दैट इज़ एथ रियल. आई एम नॉट श्योर कि मैं प्रोनाउंस ठीक ठाक से कर पा रहा हूँ कि नहीं, वो चैनल का नाम मैं लिख दूँगा यहाँ कहीं पर. तो ही इज़ आई मीन दैट चैनल इज़ ऑल्सो प्रोड्यूसिंग आई मीन क्रिएटिंग अमेजिंग कंटेंट्स. आप जाके चेक कर सकते हो. उनका एक लद्दाख का एक पूरा सफ़र है, आई मीन लद्दाख का पूरा एक व्लॉग उन्होंने बनाया है, आई मीन सीरीज़ पूरा है, आप वो देख सकते हो एंड दैट्स रियली अमेजिंग. आई रियली लव दैट, लव देयर चैनल, मैंने सब्सक्राइब भी किया है. एंड ऑल्सो ये एथ रियल ये जो चैनल है इसका सब्सक्राइबर 100,000 भी नहीं है, ठीक है, बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स हैं. आई मीन वो जो जैसे कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कंटेंट क्रिएट करते हैं उसके हिसाब से ओनली 92,000 या फिर 94,000 के आसपास उनका सब्सक्राइबर्स है, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है. अच्छा फिर आते हैं थर्ड यूट्यूबर के बारे में. थर्ड यूट्यूबर इज़ अंकित भाटिया एंड ही इज़ अ लवली गाय, ही इज़ मेकिंग अमेजिंग कंटेंट. आई गेस इनके बारे में आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे, ये YouTube में बहुत दिनों से हैं एंड ही इज़ प्रोड्यूसिंग रियली अमेजिंग कंटेंट्स. ही इज़ नॉट ओनली क्रिएटिंग दोस ब्लॉग्स आई मीन ट्रैवल ब्लॉग्स, उसके साथ साथ ये बहुत सारे ट्यूटोरियल्स वीडियोज़ भी बनाते हैं अबाउट फिल्मिंग एंड फोटोग्राफी. तो आप वो भी देख सकते हो एंड मेरे से तो भैया बहुत बेहतर बनाते हैं एंड सीरियसली मैं अंकित भाटिया के साथ भी, अगर भाटिया जी अगर आप देखते हो ये वीडियो तो मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ कहीं पे घूमने एंड वहाँ पे जाके आपके साथ वो बी रोल शॉर्ट्स में लेना चाहता हूँ. एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू मेक अ फिल्म विद यू एंड फिल्म मतलब एक ट्रैवल फिल्म, यू नो जो ट्रैवल मॉन्टाज होते हैं वो एक बनाना चाहता हूँ मैं आपके साथ. सो पता नहीं ये सब होगा कि नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बक रहा हूँ. सो दैट्स अ थर्ड यूट्यूबर. एंड द फोर्थ यूट्यूबर इज़ ये एक्चुअली तीनों का गैंग है, दैट इज़ टीन ट्रोल्स. अगर आप लोगों में से कोई इनके वीडियोज़ देखे हो कि नहीं मुझे पता नहीं, तो इन लोगों का कुछ वीडियोज़ मुझे बहुत बढ़िया लगा था, जैसे राजस्थान का कुछ वीडियो है, एक हिमाचल प्रदेश का वीडियो है एंड कुछ और भी सारे वीडियोज़ हैं जो मुझे बहुत पसंद आया था एंड आई रियली लाइक यू नो देयर कंसेप्ट एंड वो जैसे स्टोरी को बोलता था दैट वॉज रियली अमेजिंग. बट द थिंग इज़ पिछले बहुत दिनों से ही दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी काइंड आई मीन दे आर नॉट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ कंटेंट. मुझे पता नहीं क्या हुआ है उन लोगों का,
बट आई होप कि वो लोग भी जल्दी से कुछ कंटेंट तैयार करना शुरू कर दें. सो दैट्स अ थिंग. तो इन्हीं लोगों को मैं अभी तक फॉलो करता हूँ एंड दे ऑल आर इंडियन यूट्यूबर्स एंड मैं इन लोगों का वीडियोस भर भर के देखता हूँ. यू नो मैं बस वेट करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो कब आने वाला है इन लोगों का. आई रियली लव द कंटेंट. ओके सो दैट्स इट. एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू से कि ये मेरे टेस्ट वाला लोग हैं. आई मीन इन ये लोग जो कंटेंट्स क्रिएट करते हैं वो मेरे टेस्ट वाला है कंटेंट. सो दैट्स वाई आई फॉलो देम. आप लोगों का टेस्ट कुछ अलग हो सकता है. आई मीन मुझे नहीं पता वो टेस्ट क्या होगा. बट अगर आप लोग इन लोगों का वीडियो देखोगे तो आई डोंट थिंक यू विल फील बैड. यू विल फील गुड यू नो आफ्टर वॉचिंग देयर कंटेंट. क्योंकि वो लोग बहुत ही बढ़िया कंटेंट बनाते हैं. एंड जो मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला कुछ यूट्यूबर्स है कुछ मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले यूट्यूबर्स से तो बेहतर ही बनाते हैं ये. एंड दैट फॉर श्योर. मैं चाहता हूँ कि आगे जाके कि इन लोगों के पास कुछ 10 मिलियन 15 मिलियन या 20 मिलियन ऐसा कुछ सब्सक्राइबर्स हो. आई रियली वॉन्ट इट. क्योंकि अगर इन लोगों के पास अगर उतना ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जाएगा तो अच्छे कंटेंट क्रिएट करने वाले लोगों का कमी नहीं होगा यू नो यूट्यूब में. सो एंड ऑल्सो इंडिया में भैया टैलेंट कूट कूट के भरा है. सो आई मीन बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर्स को हेल्प भी हो जाएगा. आई मीन जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं. सो दैट्स अ थिंग. बट रोहन ठाकुर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आई रियली वॉन्ट टू मेक अ वीडियो विथ यू एंड आई वॉन्ट टू गो इन मनाली एंड यू नो एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू गो इन गुलमार्ग एंड एक्सप्लोर गुलमार्ग विथ यू. सो दैट्स अ थिंग.